subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ा मोड़ आ गया है। मामले में अब ऐसा सबूत सामने आया है जो जांच की कड़ी में बेहद अहम साबित हो सकता है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे सुशांत की मौत में ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। इन चैट्स में रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों से बात की है। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। गौरव वही शख्स है जिन्हें आरोपी ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। दूसरी चैट में भी रिया ने गौरव से बात की है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडी का मतलब एमडीएमए से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तीसरी चैट 25 नवंबर 2019 की है, जो रिया और जया साहा के बीच की है। इसमें रिया जया से कहती है, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। चौथी चैट में रिया कहती है, बहुत धन्यवाद। इसके जवाब में जया कहती है, नो प्रॉब्लम ब्रो। उम्मीद है कि ये मददगार साबित होगा। एक और चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती है, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। ये चैट दोनों के बीच 25 नवंबर 2019 को हुई थी। इसके बाद मिरांडा और रिया के बीच फिर बात हुई। चैट में मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की है। अप्रैल में ही एक बार फिर एक और चैट में मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैस और गुड है, जिन्हें लोअर लेवल का ड्रग माना जा रहा है। वहीं इस बारे में जब गौरव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं ड्रग नहीं लेता हूं। जो दावे किए जा रहे हैं, मुझे उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ इन ड्रग चैट पर रिया चक्रवर्ती के वकील का भी जवाब आया है। उनका कहना है कि रिया ने कभी ड्रग नहीं लिया, यानी गौरव और रिया दोनों ही इससे मुकर गए हैं। देखने वाली बात होगी कि सुशांत केस में इस ड्रग एंगल की क्या सच्चाई निकलती है। टीम खबर अपडेट।